नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो जड़ी बूटी आपके घर के आसपास ही पाई जाती है, मगर हमें इसके फ़ायदों का पता नहीं है। तो आज मैं आपको इसके फ़ायदे और जो भी हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों इसके ऊपर जो फल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इस पर ऐसे फल होते हैं तो पक जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसको खाया भी है, तो लोग खाते भी हैं, ज़्यादा बकरियां खाते हैं इसको। और ये फूल होते हैं, फूल इस पर अलग अलग प्रकार के लगते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके जो फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों दोस्तों इस पौधे को गनेरी के नाम से जाना जाता है, और इसके पीले और जामुनी रंग के फूल बहुत ही लुभावने होते हैं। इसके प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है, आप देख सकते हैं, बहुत फायदेमंद पौधा है। और यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो गई है तो इसके इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए गन्हेरी के पत्तों को काढ़ा बनाकर, चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं, और इससे सर्दी खांसी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसका काढ़ा बनाने से फूलों और पत्तियों को उसका काढ़ा बनाना है, तो तब आपकी जैसे चाय का सेवन करते हैं वैसे आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जख्म हो गया तो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना है, जख्म पर इसके पत्तों का लेप लगाना है। और अगर मान लो कि आपके सिर में अचानक दर्द हो जाती है, तो जिसे माइग्रेन कहा जाता है, इस दर्द को दूर करने के लिए गन्हेरी बहुत ही सकारात्मक है और बूटियों में से एक है। इसके पत्तों को तोड़कर मसल कर सूंघने से सिर दर्द की समस्या बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो दोस्तों मच्छरों को भगाने के लिए भी गन्हेरी का पौधा जो है बहुत फायदेमंद है। इसके पत्तों का इस्तेमाल करने से आप इसके सूखे पत्तों को जलाएं, और ऐसा करने से मच्छर बहुत जल्दी भाग जाते हैं। यदि किसी को मलेरिया या बुखार है, वो बहुत दिनों से चल रहा है, तो आपने क्या करना है, वो ठीक नहीं होता तो या तो कोई लकवा की शिकायत से परेशान, तो उसमें गन्हेरी के फूल और फल पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन कराया जाता है, जिससे उस बंदे का मलेरिया भी ठीक हो जाता है, साथ ही लकवे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अगर किसी के शरीर के जोड़ों में दर्द है, दोस्तों ये पौधा जो है जोड़ों के दर्द को भी ठीक करने में बहुत लाभदायक है। आपने क्या करना है, इसके लिए आपको गन्हेरी के पत्तों का काढ़ा बना पीने से और गर्म काढ़े से सिकाई करने से राहत मिलती है। यदि किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो गन्हेरी के जड़ों का काढ़ा बनाकर इसे कूला करने से दर्द खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि जो गन्हेरी का पौधा है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों इस पेड़ को घनौरी भी कहते हैं, घनेती भी कहते हैं, और बैकी छेदी भी कहते हैं। इस पौधे के बहुत से नाम, और लताना भी कहते हैं। तो दोस्तों आप ज़रा ध्यान से देख लो इस पौधा का जो फल है, फूल हैं, कैसे हैं, ये देखो। तो इस पर बहुत अलग अलग प्रकार के फूल लगते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।